हेलो गाइस, वेलकम टू दिस मंडी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मार्वल, डीसी, हॉलीवुड और नेटफ्लिक्स से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। हम बात करेंगे उन टीवी सीरीज के बारे में जो कि हिंदी में रिलीज हो चुकी हैं, और बात करेंगे फर्स्ट लुक के बारे में जो कि अपकमिंग मूवीज के अभी हाल ही में लॉन्च हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉप गन का, जो कि फर्स्ट इमेज थी। इसका एक नया लुक लॉन्च हुआ है और ये मूवी इंडिया में हिंदी में रिलीज होगी। देन उसके बाद मुलान, जो कि डिज्नी की लाइव एक्शन अपकमिंग मूवी है, ये भी इंडिया में हिंदी में रिलीज होगी, तो उसका भी नया लुक लॉन्च हुआ है। उसी के साथ लॉन्च हुआ बर्ड्स ऑफ पेरी का, जो कि डीसी की अपकमिंग मूवी है, और ये भी हिंदी में कंफर्म हो चुकी है। फिर उसके बाद रियान की जो नई अपकमिंग मूवी है फ्री गाय, ये भी हिंदी में रिलीज होगी। फिर उसके बाद किंग्समैन, जो कि एक प्रिक्वल है, और ये भी इंडिया में हिंदी में रिलीज होगी। इसका भी नया लुक लॉन्च हुआ है, तो काफी कमाल का है, और ये एक शुरुआती किंग्समैन की मूवी है। देन उसके बाद सबकी फेवरेट हॉरर, एक साइलेंट मूवी क्यूट प्लेस, तो काफी कमाल की है। इसका भी नया लुक लॉन्च हुआ है और इसका एक तारीख को ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, जो कि ये भी हिंदी में लॉन्च होगी मूवी, और अभी तक नहीं देखा तो जाके देखो। फिर सबकी मार्वल डीसी फैन मूवीज, जो कि है ब्लैक विडो, तो ये मार्वल की बेस्ट मूवी होने वाली है मुझे लगता है, क्योंकि 2020 में शायद यही मूवी अच्छा कमा पाएगी। देन उसके बाद डीसी की नई अपकमिंग मूवी वंडर वुमन 1984, ये भी हिंदी में रिलीज होगी, और इसका भी ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और इसका भी ब्रांड न्यू लुक लॉन्च हुआ है। देन उसके बाद डॉक्टर डूलिटल, इसका भी हाल ही में कल के दिन फाइनल ट्रेलर लॉन्च हुआ, किसी ने नहीं देखा तो जाके देखो, और इसका भी नया लुक लॉन्च हुआ है, और ये भी मूवी हिंदी में रिलीज होगी। अब बात करते हैं हैशब्रो कंपनी की तरफ से, तो फाइनली उन्होंने नए फिगर बनाए 2012 वाले इवेंट में। जी हाँ, आप सभी को पता होगा एवेंजर एंड गेम में एक ऐसा इवेंट आया था जिसमें कि कैप्टन अमेरिका वर्सेस कैप्टन अमेरिका हुआ था, तो उन्होंने फाइनली फिगर लॉन्च कर दी है और अमेजोन फ्लिपकार्ट पे आपको देखने को मिल जाएंगे, तो जिनको खरीदने हैं वो जाके खरीद सकता है। अब बात करते हैं मूवी के बारे में, तो यूट्यूब एक्शन पे 7 जनवरी को शाम को 6:45 पर आपको टाइम ट्रैप देखने को मिल जाएगी। तो ये काफ़ी कमाल की मूवी है और हिंदी में फाइनली डब हो चुकी है और आपको डायरेक्ट यूट्यूब एक्शन पे देखने को मिलेगी। वाइकिंग्स सीजन 1 से लेकर सीजन 5 तक ये हिंदी में डब हो चुका है, तो नेटफ्लिक्स पे आप जाके देखिए, काफ़ी कमाल की टीवी सीरीज़ है। अभी मैंने इसका पहला और दूसरा एपिसोड देखा है। तो देन उसके बाद एक इंटरनेशनल पोस्टर लॉन्च का है सोनिक का, जो कि काफ़ी कमाल का लग रहा है, और ये भी हिंदी में रिलीज होगी इंडिया में। देन उसके बाद कल के दिन 47 मीटर डाउन, जो कि यूटीवी एक्शन पर आएगी, इसे जाके जरूर देखना, और इसकी फुल डिटेल जानने के लिए आप मेरे ट्विटर अकाउंट पर जाके देख सकते हो। देन उसके बाद आपके लिए खुशखबरी है टाइमलाइन, जो कि पॉल वॉकर की मूवी है, काफ़ी कमाल की मूवी है, ये मेरे पे टेलीग्राम पे पड़ी हुई है ब्लूरे में, और ये हिंदी में आ चुकी है, तो आप जाके आराम से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और अब बात करते हैं कुछ बिहाइंड द सीन के बारे में, जो कि है सैंडमैन के, जो कि स्पाइडरमैन 3 के है, तो काफ़ी कमाल के लग रहे हैं ये, आज तक हमें कभी देखने को नहीं मिले, बट अभी हाल ही में ये रिवील्ड हुए हैं, तो काफ़ी कमाल का लग रहा है। अगर आपको ये पर्सनली चाहिए और HD में डाउनलोड करने हैं, तो आप मेरे ट्विटर अकाउंट से जाके डाउनलोड कर सकते हो। और अब एक बेहतरीन अपडेट, अपकमिंग बैटमैन मूवी का एक नया लुक लॉन्च हुआ है, काफ़ी कमाल का है। ये लीक आर्ट है जो कि उन्होंने अपनी स्टोरी पे लगाया रखा था, और जिसने भी ये लगाया है वो बहुत बुरी तरीके से लीक हुआ। देन उसके बाद डेन जॉनसन काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो तैयार हैं ब्लैक एडम मूवी के लिए, DC सुपर विलेन के ऊपर मूवी बन रही है, और ब्लैक एडम देख रहे हो मतलब कितनी मतलब मेहनत कर रहे हैं वो डेन जॉनसन, तो मुझे तो काफ़ी कमाल की लगी ये इमेजेस, और उन्होंने आज ये इंस्टाग्राम पर पोस्ट करी हैं, काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। ड्रैकुला हमें सबसे पहले मून नाइट में देखने को मिल सकता है, जी हाँ, अभी हाल ही में जो अपडेट आए हैं, तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ड्रैकुला के लिए। देन उसी के साथ एक अपडेट काफ़ी कमाल का, तो एवेंजर एंड गेम ने फाइनली 2.8 बिलियन कंप्लीट कर ली है बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड, जी हाँ 2.8, जो कि बहुत बड़ी बात है हम मार्वल फैंस के लिए। देन उसी के साथ फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की एक नई इमेज आई है सामने, जो कि सेट फुटेज है, इसमें हमें एक नया आइलैंड देखने को मिलेगा, जो कि कॉमिक बुक में था पर रियल लाइफ में नहीं था, तो ये इमेज वो चीज़ क्लियर करती है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो, अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें, रियली में आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो मैं इस वीडियो को नहीं देखो या तो उस पे लोकी के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।